आप सबको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और हम आपका स्वागत करते हैं आज रविवार की आराधना में। तो आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आराधना करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस रविवार की आराधना में बने रहिए। सो आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, विशेष का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के विश्राम दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है पिता। हम सब आनंदित हैं पिता परमेश्वर, और आज के इस दिन में परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस संगति में बैठे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, सबको आप आशीषित करें पिता। आपकी उपस्थिति को हम आज के इस रविवार की आराधना में मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस को मांगते हैं कि आप हम सब की सहायता और मदद करें कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके, आराधना कर सके, और जो कुछ भी आज की सभा में होता है उसमें पवित्र आत्मा जी आप हम सब की सहायता करें, हम सबको सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु जी, और हम सबको एकाग्र मन दे परमेश्वर, कि हम प्रभु संपूर्ण मन से एकाग्र मन से मेरे परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठ सके परमेश्वर। हर एक दुष्ट के कार्य को, हर एक डिस्टर्बेंस को हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, कि आप हम सब की सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे, और आप भी मेरे साथ मिलकर भजन संहिता की किताब को पढ़ें। आप बाइबल निकाल लें और मेरे साथ निकालें भजन संहिता 34, उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक हम पढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ निकाल लीजिए और मेरे साथ मिलकर इस वचन को पढ़ें। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिसने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सब मिलकर उस जीवित और जिंदा परमेश्वर की स्तुति करें। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि जो यहोवा की ओर दृष्टि करता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और हम एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में ज्योति बनकर आया और हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दिया। मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आराधना करने से सारे बंधन टूटते हैं, हर एक गलत बातें दूर होती हैं, और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब हम उसकी आराधना करते हैं। सो आइए मिलकर हम सब परमेश्वर की आराधना करें। आप भी हमारे साथ मिलकर इस भजन को गाएं। भजन के बोल कुछ इस प्रकार से हैं, तू प्यार का सागर।
दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है। परमेश्वर की योजना कभी भी रुकती नहीं है। जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, जो योजना परमेश्वर के पास आपके लिए है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। हर हालत में परमेश्वर उसे पूरा करता है। कोई दुष्ट, कोई विरोधी मनुष्य या फिर ये प्रकृति या फिर कोई भी, हम खुद भी परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकते हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे, यहोशू की किताब उसका 21 अध्याय और 45 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। आमीन। दोस्तों, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जितनी बातें इज़राइलियों के लिए कही थी, जितने वचन, जितनी योजनाएं परमेश्वर की इज़राइलियों के लिए थी, उनमें से एक भी नहीं छूटी, सब की सब परमेश्वर ने पूरी
की, यानी कि एक भी बात ऐसी नहीं रही जो परमेश्वर ने कही हो और वो पूरी नहीं हुई हो, या फिर जो परमेश्वर की योजना रही हो और वो पूरी ना हुई हो, एक भी बात ऐसी नहीं थी। यानी कि परमेश्वर ने सारी की सारी योजनाओं को उनके जीवनों में पूरा किया, सब बातों को उनके जीवनों में पूरा किया। आयुब की किताब उसका 42 अध्याय 2 पद में लिखा है कि तेरी योजनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता है। परमेश्वर की योजना को जो उसने बनाई है उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। यसाई की किताब उसका 14 अध्याय 24 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने शपथ खाई है कि जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ उसने ठाना है, जो योजना उसने बनाई है वो पूरी होगी। यानी कि परमेश्वर का वचन हर हालत में पूरा होता है। यानी कि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई योजनाएं, परमेश्वर के द्वारा कही गई बातें वो हमेशा सबके जीवनों में पूरी होती हैं। क्या दुष्ट उन योजनाओं को रोक सकता है? नहीं, दुष्ट उन योजनाओं को नहीं रोक सकता। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह सारे जगत के पापों को उठाकर क्रूस पर बलिदान हो जाए, और दुष्ट ने इस प्लान को रोकने की बहुत कोशिश की परंतु वो असफल रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है। हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं, अय्यूब को जब परमेश्वर ने आशीषित किया तो शैतान परमेश्वर के सामने गया और उसने कहा कि तेरा दास इसलिए धर्मी है, इसलिए तुझ पर विश्वास करता है क्योंकि तूने उससे बहुतायत से आशीषित किया है, और उसने कहा कि क्योंकि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है इसलिए वो तेरी महिमा करता है, इसलिए वो तुझ पर विश्वास करता है। और फिर शैतान ने उसके जीवन को नष्ट करने की कोशिश की परंतु वो फिर असफल हो गया, और परमेश्वर की जो योजना थी अय्यूब के लिए कि मैं उसके जीवन को आशीष करूंगा उसे वो रोक नहीं पाया, परमेश्वर ने फिर से उसे बहुतायत से आशीषित किया। यानी कि हम लोग इन दो उदाहरणों से देखते हैं कि शैतान भी, वो दुष्ट भी, उसके दूत भी परमेश्वर की योजना को पूरा होने से नहीं रोक सकते हैं। यदि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए कोई योजना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और आप जानते हैं बाइबल कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं। परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं जो हमारी हानि की नहीं बल्कि हमारी लाभ की हैं, आपके लाभ की हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, तभी तो आप परमेश्वर के पास आए हैं, और वो अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। और वो दुष्ट जिसे आप सोचते हैं कि वो हमारे जीवन को नष्ट कर देगा या फिर वो हमारे जीवन में पता नहीं क्या क्या कर देगा, नहीं, वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो उस योजना को नहीं रोक सकता है। तो फिर क्या कोई विरोधी मनुष्य इन योजनाओं को रोक सकता है? नहीं, कोई विरोधी मनुष्य भी इन योजनाओं को नहीं रोक सकता। इसराइलियों के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वो मिस्र देश से छुड़ा करके उन्हें कनान देश में लेके जाए, तो फिरौन ने बहुत कोशिशों को करने के बावजूद भी वो उन्हें रोक नहीं पाया, परमेश्वर की योजना को रोक नहीं पाया। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं परमेश्वर की योजना थी कि यूसुफ को वो एक दिन उच्च पद पर नियुक्त करे, तो उसके भाई भी उसे रोक नहीं पाए, उस योजना को रोक नहीं पाए। उसके भाइयों ने उसे नष्ट करने की कोशिश की परंतु योजना को रोक नहीं पाई। ये बातें, ये लोग हमारे जीवनों में दुख ला सकते हैं, परेशानियां ला सकते हैं, परंतु ये परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकते। जो उसकी योजना है वो निश्चय पूरी होती है। तो क्या रुकावटें या फिर बाधाएं? नहीं, फिर रुकावटें और बाधाएं भी उस योजना को नहीं रोक सकती। अब देखते हैं कि लाल समुद्र आ गया इजरायलियों के सामने और उन्हें लगा कि पार करना मुश्किल है, परंतु क्या हुआ? क्या लाल समुद्र उन्हें रोक पाया, उस योजना को रोक पाया? नहीं, उसे भी अपना रास्ता छोड़ना पड़ा और परमेश्वर के लोग स्थली स्थल उस लाल समुद्र को उन्होंने पार कर दिया। यानी कि वो उस योजना को रोक नहीं पाई, कोई बाधा नहीं रोक पाई। यरीहो की दीवार एक बहुत बड़ी रुकावट, वो भी परमेश्वर की योजना को नहीं रोक पाई।
यानी कि कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट हमारे जीवन में आए, परंतु वो हमें परमेश्वर की योजना से अलग नहीं कर सकती। वो रुकावटें, वो बाधाएं परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकते। यानी कि जो परमेश्वर की योजना है वो निश्चय हमारे जीवन में, आपके जीवन में पूरी होगी। न दुष्ट उसे नहीं रोक सकता, कोई विरोधी मनुष्य उसे नहीं रोक सकता, कोई रुकावटें, कोई बाधाएं उसे नहीं रोक सकती है। क्या ये प्रकृति, क्या ये तूफान नहीं, ये भी नहीं रोक सकते। हम एक बार देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जब रोम की यात्रा में थे तो समुद्र में तूफान आ गया, उनका जहाज टूट गया, कई दिनों तक उन्हें इस तूफान में फंसे रहना पड़ा, सूर्य न दिखा, खाने को कुछ नहीं। इस सारे संकट के बावजूद भी परमेश्वर का वचन उनके पास आता है कि तुम्हारे प्राणों की हानि न होगी, तुम्हारा एक भी बाल बांका न होगा। यानी कि परमेश्वर की योजना को कोई भी नहीं रोक सकता। क्या हम खुद रोक सकते हैं परमेश्वर की योजना को? नहीं, हम खुद भी नहीं रोक सकते। हम योना के जीवन में देखते हैं परमेश्वर ने उसके लिए एक प्लान किया कि वो निनवे जाए और भविष्यवाणियां करे, और वो तर्शिश को चला गया, लेकिन क्या हुआ अंत में, उसे निनवे ही जाना पड़ा। यानी कि कोई भी परमेश्वर की योजना को पूरा होने से नहीं रोक सकता है। कोई मनुष्य नहीं, कोई अपने आप से नहीं, कोई विरोधी मनुष्य नहीं, कोई दुष्ट नहीं, कोई फिरौन नहीं, कोई भी नहीं। ये आंधी, तूफान, रुकावटें, बाधाएं, ये प्रकृति कोई भी परमेश्वर की योजना को पूरा होने से नहीं रोक सकती। आप जानते हैं यीशु मसीह के समय से अब तक बहुत बार ये प्रयास हुआ कि बाइबल मिटा दी जाए, यीशु मसीह के संदेश मिटा दिए जाए, यीशु मसीह का नाम ही मिटा दिया जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कोई भी उस योजना को रोक नहीं पाया, मनुष्यों के उद्धार की योजना को कोई भी नहीं रोक पाया। मैं आज क्यों आपको ये सब बता रहा हूं? क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जितनी बातें इसराइलियों के लिए कही थी वे सारी की सारी पूरी हुई। दोस्तों, बाइबल हमें बहुत सी बातों के बारे में बताती है जो परमेश्वर ने हमसे कही हैं। सपोज एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में लेकर के जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। तो क्या इस योजना को कोई रोक सकता है? नहीं, इस योजना को भी कोई रोक नहीं सकता। यदि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया, तो अब इस योजना को कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए बाइबल हमें बताती है, पौलुस कहते हैं कि कोई स्वर्गदूत, कोई नंगाई, कोई तलवार, कोई कंगाली हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। कोई भी हमें परमेश्वर की उस योजना से अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे जीवन में निश्चय पूरी होंगी, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको अपने मन में ये विश्वास रखना है। हालांकि ये सारे लोग विपरीत समय से होकर गुजरे, इनके जीवनों में भी दुख आए, इनके जीवनों में बाधाएं आई, रुकावटें आई, संकटों से होकर गुजरना पड़ा, दुष्ट ने उनकी परीक्षाएं की, अनेक प्रकार की बातें इनके जीवन में हुई, परंतु अंत में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने इन सब लोगों को बहुतायत से आशीषित किया और जो परमेश्वर की योजना थी वो उनके जीवनों में पूरी हुई। हो सकता है आप भी ऐसे समय में हो जब आपके जीवन में रुकावटें हों, बाधाएं हों, तूफान हो, या फिर आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, या फिर आपको लगता हो कि परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया, या फिर दुष्ट आपकी परीक्षा कर रहा हो, या फिर आप बीमारी में हो, किसी भी समस्या में आप हो सकता है। परंतु ऐसे समय में आपको याद रखना है कि परमेश्वर की जो योजना मेरे जीवन के लिए है उसे कोई भी रोक नहीं सकता, उसे कोई भी हरा नहीं सकता, उसे कोई भी पूरा होने से रोक नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन आयुब की किताब 42:2 में कहता है कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी योजनाओं को, तेरी युक्तियों को, तेरे प्लान को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आपको इस बात को अपने मन में बिठा लेना है, यदि परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार की योजना बनाई है तो वो निश्चय आपके जीवन में पूरा करेगा। यदि परमेश्वर ने आपके लिए आशीषित करने की योजना बनाई है तो वो निश्चित आपके जीवन में पूरा करेगा। यदि परमेश्वर ने आपको छुटकारा देने का वादा किया है तो वो आपको निश्चय छुटकारा करेगा। यदि परमेश्वर ने आपसे कहा कि आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे तो वो निश्चय आपके जीवन में हो जाएगा।
आप इन वचनों पर भरोसा करें कि इन्हें मेरे जीवन में पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी वादे, जितने भी प्रॉमिस परमेश्वर ने अपने बाइबल में किए हैं, वो सब हमारे जीवन में पूरा होंगे जब हम उन पर विश्वास करेंगे। तो वो हर एक वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। जिस प्रकार से इसराइलियों के जीवन में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहे कि कोई भी ऐसी बात नहीं जो पूरी न हुई हो, हर एक बात पूरी हुई। जितनी भी बातें प्रभु ने उनसे की थी, जितने भी वादे प्रभु ने उनसे किए थे, वो सारे के सारे प्रभु ने पूरे किए, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी वादे अपने चेलों से किए हैं, वे सारे के सारे पूरे होंगे। उनमें से कोई भी ऐसा वादा न होगा जो अधूरा रह जाएगा, नहीं, वो सारे पूरे होंगे। इसलिए आप ढाढ़स बांधें, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लें और ढाढ़स बांधें कि परमेश्वर निश्चय अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसीलिए हमें बाइबल कहती है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अंत का मतलब लास्ट में नहीं है, जब मैं मरने के कगार में होऊंगा तब मेरी आशा पूरी होगी, नहीं, भविष्य में, फ्यूचर में, इंग्लिश में लिखा फ्यूचर में तेरी आशा पूरी होगी। आने वाले दिनों में तेरी आशाएं जो तूने परमेश्वर पे रखी हुई हैं, वो वचन जो तूने थामे हुए हैं, वो सारे के सारे परमेश्वर उन्हें पूरा करेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया, तो वो वास्तव में हमें जीवन देने आया, और बहुतायत का जीवन देने आया, वो इस धरती पर भी और उस स्वर्ग में भी आपको बहुतायत का जीवन देगा। वो वादा पूरा होगा, आपको केवल इस बात पर विश्वास करना। और जब आप इस प्रकार से करते हैं, तो आपने देखा इन सब लोगों को जिनके उदाहरण हमने देखे, परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से आशीषित किया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। आपने हर एक वादे को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। विशेष का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सच में मेरे खुदावन, जो इस रविवार की आराधना में प्रभु ये सुंदर वचन प्रभु तेरे मुख से बोला गया प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जी जो वचन जो वादे प्रभु जी तेरे द्वारा बोले गए हैं प्रभु, वो सारी बातें पूरी होती हैं परमेश्वर पिता। आज हम इस वचन के द्वारा आशीषित हुए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहनों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता परमेश्वर। और प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जी, जो भी आपकी योजना है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो इन भाई बहनों के लिए प्रभु आपकी योजनाएं हैं, वो इनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। कोई भी दुष्ट, कोई भी मनुष्य प्रभु जी उस योजना को रोकने ना पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जो योजनाएं, जो वादे तूने किए हैं प्रभु, वो जरूर पूरे होते हैं प्रभु, क्योंकि तूने कहा है तेरा वचन अटल है और वो कभी भी नहीं टलता है प्रभु जी। जिस प्रकार यीशु मसीह आपने इसराइलियों के जीवन में उन सारी बातों को पूरा किया, उसी प्रकार यीशु मसीह जो वादे आपने इन भाई बहनों से किए हैं पिता, उन वादों को, उन योजनाओं को, उन हर एक बातों को इनके जीवन में आप पूरा करें। जब आपने वादा किया कि मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा मेरे प्रभु, इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं उनसे आपने वादा किया है कि मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे नाम से चंगे हो जाएं मेरे पिता, आप उन्हें छूकर चंगा करें। यदि प्रभु बहुत से भाई बहन जो इस समय दुख में है, उदासी में, निराशा में, डिप्रेशन में, आपने कहा मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा परमेश्वर पिता, आप इनके दुखों को आनंद में बदले परमेश्वर। यदि प्रभु कोई भी बंधन, कोई भी रुकावटें, कोई भी दुष्ट के कार्य इनके जीवन में है, तो प्रभु आपने कहा है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा यीशु मसीह, आप इनका छुटकारा करें। हर एक दुष्ट के बंधन से, हर एक बुरी बातों से आप इनका छुटकारा करें, हर एक एडिक्शन से, हर एक गलत बातों से इनका छुटकारा करें परमेश्वर, बुरी संगति से आप इनका छुटकारा करें। और खुदावन प्रार्थना है आपके बेटे बेटियां इस समय जिस भी परिस्थिति में है, और आपने जो वादा इनसे किया पिता, आप इनके जीवन में पूरा करें। आपने हम सब से ये वादा किया है कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। धन्यवाद प्रभु कि इस
इस वादे को आप हमारे जीवन में पूरा करेंगे। आप जब आएंगे प्रभु, तो हम सबको जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया है, उन्हें तू अपने साथ उस घर में, जो घर तूने हमारे लिए तैयार किया है, हमें अपने साथ रखेगा। प्रभु धन्यवाद। आज के इस दिन में हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सबको आशीष दिया, हमसे बातचीत किया। प्रभु इस विश्राम दिन में परमेश्वर हम सब मग्न हैं, आनंदित हैं और खुश हैं। प्रभु धन्यवाद। और आपके भाई, आपके बेटे बेटियां जो भी आज परेशानी लेकर आए हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए और प्रभु आप इन्हें आशीष दें। यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम सब लोग आशीष वचन की ओर जाएं, अपने सरों को झुकाएं, मेरे साथ में प्रार्थना करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्ववासियों के साथ, जितने भी भाई बहन हमारे साथ में शामिल हैं और जितने भी भाई बहन विश्ववासी इस धरती पर पाए जाते हैं, उन सब के साथ में बनी रहे। पिता परमेश्वर, तेरे मुख का प्रकाश उन पर चमके, तू उनकी रक्षा कर, उनके जीवन में शांति बनी रहे प्रभु। आमीन।